Where do you want to go? Sea beach to go. Vacation over. No sea beach now. Sea beach. Sea beach, okay. Bunny, where do you want to go? Car. Where is car? Bunny playing ball. Lela ball. No. Lela ball here. Yellow. Lela ball. Throw. Good job. Pulilo. Bring. Yellow. Good morning. Good morning. This is grass. This is grapes. Oh, and my brown God. Brown grass. Brown grapes. Good job. Mango. Mama. Mama. Okay. Light. Where is light? Here, light. Light is already on, baby. Mama. That's M. This is B. No, this is M. Good morning, everyone. Welcome back to my channel. मैं हूँ अर्चना. कैसे हैं आप सब लोग? So, आज है Tuesday and जीत ऑफिस जा चुके हैं. हनी बनी का आज भी छुट्टी है जैसे कि मैंने बताया था. तो सुबह उठ के उनका खेल स्टार्ट हो गया है. अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ना नहाए ना खाना खाया, कुछ नहीं हुआ. जस्ट अभी उठे हैं उठते के साथ ही. एंड आप लोग बहुत पूछते हो कि हनी कौन है, बनी कौन है. तो ही इज बनी. ये बनी है, ये छोटू सा बदमाश. ये देखिए उसका फेस, देखिए थोड़ा सा गोल सा है. ये बनी है. एंड ये जब भी मतलब उंगली सक करता है. 1 second. एंड ये है हनी. ये देखिए इसका फेस थोड़ा सा लंबा सा. अगर आप मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि आप कैसे पहचानते हो, तो बचपन से ही माँ हूँ यार, पहचानूंगी ना अपने बच्चों को. तो हल्का सा अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे एंड बहुत टाइम इनके साथ स्पेंड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन हनी है, कौन बनी है. एंड हमारे जो फ्रेंड सर्कल में है वो लोग मोस्टली पहचानते हैं वो अपने फिंगर सकिंग से. तो उनका अलग अलग फिंगर है जो वो सक करते हैं. हनी हमेशा करता है राइट हैंड के. हनी हमेशा राइट हैंड के ये वाले दो उंगली सक करता है. एंड बनी हमेशा लेफ्ट हैंड के ये लास्ट वाले दो उंगली सक करता है. लोगों की फिंगर सक करना एक अच्छी आदत नहीं है. बहुत लोगों का कमेंट भी आता है कि उसको छुड़वाइए. तो हम लोग छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. अभी मतलब डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने बोला एक मेडिसिन मतलब कुछ आता है लिक्विड टाइप का, वो बस उंगली में लगा दो तो बच्चा एक दिन में ही उंगली सक करना छोड़ देता है. तो हमने सोचा कि चलो हम वो भी कर लेंगे. तो अभी बहुत छोटे हैं वो, एक्चुअली बहुत अपना इमोशंस उसमें कंट्रोल कर. अगर उनको कभी गुस्सा आ रहा हो या बहुत ज़ोर से रोना आ रहा हो तो कभी कभी वो उंगली सक या पैनिक हो जा रहे हैं तो उंगली सक करके अपने आप को वो काम कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं. तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो छोटे हैं अभी, और 2-4 महीने के बाद बना वो वाला जो फिंगर में जो लगाने वाला वो कर लेंगे. डॉक्टर पूरा 95% गारंटी दे रहा है कि वो 1-2 दिन में वो सक करना छोड़ देंगे. तो इसीलिए हम लोग अभी लाए नहीं है, लाएंगे अभी. वैसे हम ही जब भी दिन के टाइम में वो इतना सक नहीं करते, जब उनको भूख लगती है या नींद आती है तब ये सक करते हैं. एंड सक करने का एक रीज़न भी है, मतलब इसीलिए मुझे बहुत ख़राब भी लगता है कि मेरी वजह से, हमारी वजह से उन्होंने उंगली सक करना स्टार्ट किया. कि मैंने आपको हमेशा बताया कि मैंने अकेले ही दोनों को, मतलब जब से वो पैदा हुए हैं तब से मैंने अकेले उनको संभाला है.
जब मैं उनको मेरे से वो फीड लेते थे, वो एक साथ फीड लेते, जब वो छोटे थे, जब उनको मैं बॉटल फीड देती थी तभी मैं एक साथ ही देती थी। फिर धीरे धीरे जब वो बड़े होने लगे तो मतलब एक हाथ से उनको उनके सर को सब बड़े होने लगे तो फिर सर ज़्यादा हिलाने लगे, तो एक साथ में मैं बॉटल फीड नहीं करवाती थी, तो एक साथ बॉटल नहीं फीड कर पा रही थी क्योंकि फिर उनका सर पकड़ना पड़ता था वरना वो ऐसे ऐसे हिलाते। पहले जब छोटे थे तब तो मैं बहुत सारा पिल्लो लगा के टॉवल्स लगा के फिर मैं दोनों हाथ से फीड कराती थी। फिर धीरे धीरे उनको जब ये खाने की आदत पड़ी, सॉलिड खाना स्टार्ट करवाया, तो ऐसे ही चेयर में बैठ के तो इमिडिएटली स्टार्ट तो नहीं किया, गोदी में ही लेके खिलाते थे, तो मैं क्या करती थी एक के बाद एक खिलाती थी। बट उनका बचपन से बाय बर्थ ही मैंने उनका ऐसा टाइम टेबल सेट किया था, मैंने ये अपने एक ट्विंस मैनेज कैसे ट्विंस अकेले मैनेज करो एक उस वीडियो में बताया है मैंने, कि हमेशा मैंने शुरू से ही हमेशा उनको मैंने टाइम टेबल सेट करवाया है शुरू से ही। जब भी जब से वो पैदा हुए एक साथ खाना है, एक साथ नहाना है, एक साथ मसाज करना है, एक साथ सोना है। इवन थोड़ा सा आपको अजीब साउंड करेगा बट जब भी हनी बनी में से दोनों सो रहे हैं सपोज और एक उठ जाता है, मैं दूसरे को ज़बरदस्ती उठा देती थी, एंड अगर एक सो गया तो दूसरे को भी मैं ज़बरदस्ती सुला देती थी। स्टार्टिंग एक महीना ऐसा करना पड़ा, थोड़ा सा आपको इस टाइम में मतलब क्रुएल होना पड़ेगा, मतलब क्रुएल तो नहीं बोलूंगी बट नहीं तो फिर आप बिल्कुल भी ट्विंस को अकेले नहीं संभाल पाओगे, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाओगे। फिर एक डेढ़ महीने के बाद उनका टाइम टेबल बिल्कुल सेट हो गया, वो फिर एक साथ सोने लगे, एक साथ खाने लगे। तो जब हस्बैंड घर पे होते थे नाइट टाइम वाले या कभी कभी मॉर्निंग टाइम में, तो हम लोग मतलब वो एक को मैं एक को खिला देती थी, बट दिन के टाइम में जब वो खाते थे तो मैं क्या करती, जब एक को खिलाऊंगी फिर दूसरे को खिलाऊंगी फिर वो पॉसिबल नहीं होता था जब एक साथ खाना, मतलब अराउंड फिफ्थ मंथ की मैं बात बोलूँ, फोर एंड हाफ फिफ्थ मंथ की बात बोलूँ, जब वो फोर एंड हाफ फिफ्थ मंथ के हो गए थे तब मैं जब एक को खिलाती थी तो दूसरा मुझे देखता था, उसको भी भूख लगती थी, बट मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं क्या करती फिर। तो फिर वो दूसरा क्या करता था, उंगली सक करना स्टार्ट किया कि अपने आप को वो मतलब फीलर देना कि हाँ मैं भी कुछ खा रहा हूँ, मुझे मतलब मैं एक को खिला रही हूँ, वो मुझे देख के उंगली सक करता था। वो पार्ट मैं मतलब अभी भी मैं याद करती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि मेरा बच्चा भूख के मारे मुझे देख के उंगली सक कर रहा था। बट एनीवे वो फेज भी मतलब एक दो महीने के बाद ही वो फेज भी ख़त्म हुआ। यस बेबी ओके दैट रूम विल गो ओके प्ले प्ले हियर विल गो। सो अराउंड दो महीने के बाद अराउंड सिक्स एंड हाफ सेवन मंथ के बाद हमने फीडिंग चेयर ले लिया, तो फीडिंग चेयर में फिर मैं दोनों को एक साथ बिठा के खिलाने लगी। फिर वो वाला फेस तो नहीं हुआ कि वो मुझे देख के ऐसे मतलब भूख के मारे मतलब उंगली चूस रहा है, बट हाँ वो उंगली चूसते वाली आदत वहीं से रह गई, उनका बचपन से नहीं था, वो अराउंड वही फोर एंड हाफ फिफ्थ मंथ में उनका ये उंगली चूसने वाली आदत डेवलप हुई। तो फिर ऐसे इनका चलो वो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपने आप को कंसोल कर रहे हैं, बट हाँ अभी टाइम आ गया है कि उनका ये आदत छुड़ाने का, तो हम लोग जल्दी ही ये आदत छुड़ा देंगे। एंड होप आप लोग अभी जब वो उंगली सक कर रहे हैं आप अभी उनको पहचान सकते हो कि हनी कौन है एंड बनी कौन है, नहीं थोड़ा सा वरना डिफरेंट अलग मतलब डिफिकल्ट तो होगा। ये देखिए बनी अभी चूस रहा है अपना लेफ्ट हैंड के दोनों मतलब लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। वेयर आर यू गोइंग, ये देखिए पांच मिनट मैंने आपसे बात की एंड पांच मिनट में रूम की कैसी हालत कर दी, पूरा तहस नहस करके रख दिया है रूम को। तो चलो अभी नहाते हैं।
कम हियर। सो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हनी बनी क्या खाते हैं दिन में, उसका मील प्लान शेयर कीजिए। तो मील प्लान एक्चुअली वो अभी इस 17 को वो 2.5 इयर्स के हो जाएंगे, तो अभी वो फैमिली फूड ही खाते हैं हमारे साथ, हम जो खाते हैं वही खाते हैं। मोस्टली उनका जो लंच रहता है वो राइस रहता है, राइस सब्जी दाल ऐसा सब कुछ रहता है। एंड रात को डिनर में वो हमेशा दूध रोटी खाते हैं। एंड इवनिंग के टाइम पे जैसे उपमा खा लिया, कभी आलू पराठा खा लिया, कभी कस्टर्ड खा लिया, इस टाइप का खाते हैं। एंड मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट रहता है वो हमारे से अलग रहता है, क्योंकि फिर जैसे आप लोगों को पता होगा, आई नो इट्स नॉट गुड, बट हम क्या करें, हमारा एक ऐसी आदत बन गई, हम दोनों का, जीत का मेरा, हम लोग ब्रेकफास्ट में हमें भूख ही नहीं लगती है कभी, तो लेट ब्रेकफास्ट हो 10:30-11 बजे तो हम खा सकते हैं, बट मॉर्निंग 8-8:30 बजे तो हमें कुछ भी दे दो, हमें बिल्कुल उल्टी आती है खाना देख के, पता नहीं क्यों। तो मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रेड में थोड़ा सा जैम लगा के जीत ले जाते हैं, अपनी कार में ही खा के जाते हैं या ऑफिस में ही खाते हैं, या कोई फ्रूट खा लेते हैं, मैं भी ऐसे कोई एप्पल खा लेती हूँ इस टाइप का ही, वरना हमारा कुछ हेवी ब्रेकफास्ट नहीं होता है। तो उसके लिए मैं हनी बनी के लिए क्या बनाती हूँ आप वो देखिए, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। एंड हाँ, रागी पोरिस भी है, रागी पोरिस मैं उनको देती हूँ, रागी पोरिस और एक जो ओट्स वाला, वो ये दोनों ही उनका ब्रेकफास्ट रहता है, वरना वो और कुछ ब्रेकफास्ट में ऐसा खाते नहीं। हाँ, वीकेंड वगैरह में जब प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनता है, जैसे साउथ इंडियन मोस्टली ब्रेकफास्ट बनता है, इडली डोसा वड़ा उस टाइप का, तो वो खाते हैं, वरना मोस्टली वीकडेज में ओट्स या रागी पोरिस ही वो लोग खाते हैं, उसके साथ थोड़ा सा सेरेलक, ओट्स के साथ थोड़ा सा सेरेलक मिक्स करके। एंड मैं ट्रैवल में क्या यूज़ कर उनके लिए क्या लेके जाती हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। एक ट्रैवल में वैसे जैसे कि मैंने बताया वन पॉट मील खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कहीं अभी रेस्टोरेंट में वगैरह में जाते हैं तो बिरयानी मंगवा देते हैं, फ्राइड राइस मंगवा देते हैं, रोटी भी वो खा लेते हैं तो रोटी थोड़ा मंगवा देते हैं तो हमारे साथ खा लेते हैं। अगर बाय चांस हमारे साथ नहीं खाया तो मैं उनके लिए क्या लेके जाती हूँ जो इंस्टेंट बन जाता है वो आप थोड़ा देख लीजिए, फिर आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। सो पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं स्नैक आइटम में क्या कैरी करती हूं जब मैं ट्रैवल करती हूं या घर में भी वो लोग ये खाते हैं। ये है न्यूट्री पप्स, ये बनाना एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है, दूसरे फ्लेवर भी मिल जाते हैं इसके। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा दूं, इसमें है राइस, वीट, कॉर्नस्टार्च, स्ट्रॉबेरी है, मिनरल्स है, कैल्शियम है, एंड इसमें नो प्रिजर्वेटिव्स, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है नो प्रिजर्वेटिव्स, ये बच्चों के लिए ही बना गया है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ किस टाइप का, ये छोटे छोटे जब आपके बच्चे फिंगर फूड खाना स्टार्ट करते हैं तब ये दे सकते हैं, एंड ये मुंह में डालते के साथ ही बिल्कुल ही मेल्ट हो जाते हैं। इसके एक बड़े साइज़ भी आते हैं, बट हनी बनी इसको पसंद करते हैं तो हम यही लेके आते हैं। सेरेलैक का है, आई थिंक इंडिया में मिल भी जाएगा, मैं अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं डाल दूंगी। 10 मंथ से अब आपके बच्चों को आप ये दे सकते हैं। ये देखिए, ये बेक्ड वाले हैं, नॉट फ्राइड, एंड ये बिल्कुल होल वीट एंड फ्रूट से ही बना हुआ है। ये काफ़ी अच्छा है, ट्रैवल के लिए अच्छा है, घर में भी अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्टली ब्रेकफास्ट में मैं रागी पाउडर पोरिज यूज़ करती हूँ, एंड नहीं तो ये नेस्ले का एक नीडो का एक आता है ओट्स पाउडर। अगर इंस्टेंट बनाने के लिए आपको कुछ चाहिए एंड ट्रैवल के लिए चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, तो मैं इसको कैरी करती हूँ। इसका इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा दूँ इसमें क्या है। ये देखिए, ये फुल काओ मिल्क से बना है, मिल्क पाउडर है, देन इसे शुगर है, ड्राइड बनाना पाउडर है, ओट फाइबर है, हनी है। इसका एक अलग फ्लेवर भी आता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, बट हनी बनी को ये वाला फ्लेवर पसंद है तो मैं ये लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा सेरेलैक ऐड करके इसका एक पाउडर को मिक्स करके मैं कंटेनर में लेके जाती हूँ। बस इसमें इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं आपको ये दिखा दूँ। इसमें बस आपको पानी लेना है, ये बस इसको एम्प्टी कर देना है इस वाले पैकेट को, एंड बस स्टेयर कर देंगे एंड आप बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं सेरेलैक के साथ ऐड करके ले जाती हूँ, बस इसमें थोड़ा गर्म पानी मिक्स कर देती हूँ उनको दे देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में ये खाते हैं, नहीं तो वो रागी पोरिस खाते हैं, ये दोनों उनका ब्रेकफास्ट का हमेशा वीकडे में यही रहता है उनका ब्रेकफास्ट। काफ़ी हेल्दी है, अच्छा है, ओट्स फीलिंग भी रहता है, जब स्कूल जाते हैं ओट्स खा के जाते हैं थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि चलो पेट उनका फुल रहेगा। नीडो का ये जो ओट्स वाला पैकेट मैंने आपको दिखाया, ये तो मैं 7-8 महीने से यूज़ कर रही हूँ, बट पहले मैं क्या करती थी, ओट्स को नॉर्मल ओट्स लेती थी, उसको रोस्ट कर दूँगी, उसको पाउडर बना दूँगी, एंड उसमें ये वाला जो प्रॉमिस पी वाला एक मिल्क पाउडर आता है जो मैं हनी बनी के लिए यूज़ करती हूँ वो लेके, ये पीकी इटस वालों के लिए, ये देखिए
जो लोग बच्चे थोड़ा खाने में परेशानी करते हैं उनके लिए है। ये हमें डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, ये हाई कैलोरी वाला मिल्क है, तो ये खाएंगे तो उनको मतलब न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलता है। ये वनीला फ्लेवर का, इसके अलग अलग फ्लेवर भी आते हैं, चॉकलेट वगैरह सब। आप नॉर्मल काओ मिल्क की जगह आप उनको ये वाला मिल्क भी दे सकते हो, अगर वो इसका फ्लेवर एक्चुअली बहुत अच्छा है। हनी बनी ये वाला मिल्क थोड़ा पी लेंगे, बट काओ मिल्क का टेस्ट पता नहीं उनको पसंद ही नहीं आता है। तो मैं ओट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर देती हूँ, ये वाला मिल्क पाउडर उसमें मिक्स करके ले जाती हूँ, बस उसमें थोड़ा गर्म पानी मिक्स किया एंड बन गया हमारा ओट्स। तो पहले जब ये पैकेट नहीं आता था तब मैं ये वाले टाइप के ओट्स बनाती थी। खेल स्टार्ट है। सो आप लोगों ने देख लिया कि हनी बनी नॉर्मली ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं एंड ट्रैवल में मैं क्या कैरी करती हूँ, एंड नॉर्मल बिस्किट वगैरह ये सब वो खा लेते हैं आराम से। कभी वो पैकेट वाला लस्सी, उनको लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो घर में जब रहते हैं तो लस्सी तो पीते, वरना जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोग लस्सी का जो पैक टेट्रा पैक आता है स्वीट लस्सी का, वो हम लोग लेके जाते हैं। जूस का जो टेट्रा पैक आता है वो लेके जाते हैं, तो वो हम उनको दे देते हैं जब भी कभी भी ऐसे हल्की सी भूख लगे तो उनको दे देते हैं। मतलब वो ऐसे खाने में ज़्यादा वो नहीं है कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना, वो नहीं है, बस बोलते हैं कि भाती चिकन खाना है, बट खाते हैं सब कुछ है, बट उनका क्वांटिटी बहुत कम है। बस थोड़ा सा ही खा लेंगे, 4-5 बार खा लिया बस उनको हो गया, फिर उनको 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद फिर थोड़ा सा कुछ खिलाओ तो खा लेंगे वो। मतलब खाना टेस्ट करने में उनका पसंद है, कुछ भी तुम नई चीज दे दोगे वो टेस्ट कर लेंगे, बट हाँ क्वांटिटी उनका बहुत ज्यादा कम है। क्या कर सकते हैं, सारे बच्चे अलग होते हैं, इनके थोड़े अलग ना करें। तो बस मैं अभी नहा के रेडी हो गई हूँ, अभी किचन में जाऊंगी लंच बनाने के लिए। अभी टाइम 11 बज गया, ऑलरेडी 11:10 हो गया है, घर का सारा काम तो हो गया, हनी बनी का भी हो गया है। तो ये क्या है, या दिस वन योर फूड फूड फूड। सो अभी लंच बनाऊंगी, लंच में आज सिंपल सा गोभी आलू की सब्जी बनेगी, एंड पहले भी मेरे चैनल में मैंने हलवाई स्टाइल गोभी आलू की रेसिपी शेयर की है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी तो राइस और गोभी आलू की सब्जी बनेगी। कल हम लोग आके एक्चुअली शॉपिंग करने गए थे, सब्जी वगैरह लेके आने लेने गए थे क्योंकि कुछ नहीं था घर में, एंड जीत को पोई साग मिल गया जो उड़ीसा में बहुत फेमस है, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे इतना पसंद नहीं है। तो आज वेज है तो उनके लिए वेज में पोई साग बना लूँगी, वो रात में ही खाएंगे, एंड राइस के साथ में वो रात में राइस खाते हैं, जब वो रोटी लेके जाते हैं तो राइस खाते हैं रात को, अगर राइस लेके जाते हैं तो रात में वो रोटी खाते हैं। तो अभी मैं गोभी आलू की सब्जी बना लूँगी, हम तीनों खा लेंगे, एंड वो पोई साग बना लूँगी, वो रात में जीत के लिए रख दूँगी। तो फटाफट काम निपटाती हूँ, हनी पनी अभी खेल रहे, वरना फिर मुझे किचन में काम करने नहीं देंगे। फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
यहाँ पे मैंने अरबी लिया है उड़िया में, जिसको सारू बोलते हैं, जीत को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको मैं ऐसे छिलका निकाल दूँगी, इसको दो हिस्सों में टुकड़े कर दूँगी, ये देखिए। एंड ये थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत हाथों से फिसलता है। एंड यहाँ पे पोई साग लिया है, जिसके ऐसे मैं पत्ते निकाल रही हूँ और उसकी डंडी अलग कर रही हूँ। कि डंडियाँ भी मैं काट लूँगी, जैसे ड्रमस्टिक काटते हैं बिल्कुल वैसे ही काट लेंगे। ये देखिए, उसके हल्का सा एक पतला सा स्किन निकलता है ऊपर से, वो निकालने के बाद ऐसे ऐसे ड्रमस्टिक की तरह उसको काट देंगे। यहाँ पे एक एल्युमिनियम की कढ़ाई ली है, उड़िया सब्जियाँ एल्युमिनियम की कढ़ाई में ज़्यादा टेस्ट करती है वैसा मुझे लगता है। उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें पंचफूरन ऐड किया है। पंचफूरन ऐड करने के बाद देन जो अरबी और ये जो पोई साग की जो दंडियाँ थी वो काट के रखी थी वो ऐड कर दिया है। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड एक मीडियम साइज़ का टमाटर, वो काट के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक के कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। करीब एक मिनट के बाद देखिए सब्जियां जो है वो हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है बिल्कुल, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं अभी मस्टर्ड और गार्लिक एंड रेड चिली का पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर दूँगी, मस्टर्ड पेस्ट। एंड मस्टर्ड पेस्ट को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करीब एक मिनट के आसपास इसको छोड़ देंगे। हल्का सा ये भुनने के बाद हमने जो साग निकाल के रखी थी उसको हमने छोटा छोटे टुकड़ों में काट दिया है, जैसे नॉर्मली साग काटते हैं, तो वो हमने काट दिया है, उसको मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए ऐड कर दिया। एंड इसके ऊपर हल्का सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने जब वो सब्जियाँ फ्राई करते टाइम उसमें भी थोड़ा सा नमक ऐड किया था, तो बस हल्का सा नमक ऐड कर दें क्योंकि ये जो साग है ये बहुत कम हो जाएगा अभी। इसको भी ढक के करीब एक डेढ़ मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। करीब दो मिनट के बाद देखिए साग हमारे बहुत कम हो गए हैं एंड पानी भी छोड़ दिया है, बस अभी ढकना नहीं है, पानी को हमें हल्का सा सुखाना है। तो हाई फ्लेम में इसको मैं करीब और एक दो मिनट तक पका लूँगी। एंड ये देखिए मेरा जो पोई साग है वो बनके बिल्कुल ही रेडी है, बहुत यम्मी लगता है, आप ट्राई कर सकते हैं। This one is cucumber. Yes. What is this? This is ball. What is this? Orange. Broccoli. What is this? Strawberry. What is this? Apple. Okay. What is this? Mango. No, that one is lemon. Lemon. Yeah. What is on the sun? Flowers. Apple. New page. Huh? No. Okay, you open. An apple. Yes, good job. And butterfly. No. A butterfly. That one is diamond. Yeah, that's a diamond. Butterfly. A butterfly. Okay. Sean. Lemon. Yes, lemon. Good job. Chocolate. Yes. This is circle. Wait. It's a honey. Okay, what is this? Chocolate. No, this one is square. Square chocolate. Okay. Chocolate. Yeah, it's square. What's this?
ट्रायंगल। यस ट्रायंगल। सैंडविच इज ट्रायंगल शेप। व्हाट इज दिस? हार्ट। हार्ट। एंड व्हाट इज दिस? बलून हार्ट। या हार्ट शेप बलून। What is this? हनी बनी का लंच हो गया है एंड मैंने उनको सुला भी दिया है क्योंकि वो फिर अभी जल्दी नहीं सोएंगे तो फिर जल्दी उठेंगे नहीं। अंकल स्कूल भी जाना है उनको तो जल्दी उठ जाएंगे तो कम से कम रात को जल्दी सो जाएंगे। एंड उनको सुला के मैंने भी लंच कर लिया है। एंड ये वाला जो ब्लॉग है ये कल पोस्ट होगा मतलब 14 अगस्त को। सो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान से हैं तो आप सबको हमारी तरफ से हम सब की तरफ से विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। कल पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है एंड ईद का भी अभी माहौल चल ही रहा है तो ईद एंड इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सो विद दिस आई एंड टुडेज ब्लॉग। होप यू हैव एंजॉयड। इफ यू लाइक इट गिव इट अ थम्स अप। टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल फैमिली। टिल देन बाय बाय। टेक केयर। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय। टेक केयर।